नमस्कार दोस्तों, आज मैं PVT 516 स्टेंजर का एक ड्राइवर कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से जली हुई है, DT जली हुई बर्न है, मेल्ट है। और सो फ्रेंड्स, मैं इस 516 में मैं 701 का ड्राइवर कार्ड डालूंगा। उसके लिए सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल बॉक्स का जो भी ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये हमारा ड्यूअल पावर सप्लाई बनानी पड़ी है, जो कि मैं आपको नहीं दिखाया पाया। ओके दोस्तों, इससे पहले आप जितने भी ट्रांजिस्टर है इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 4 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 4.7 ओम, ये सभी जली हुई हैं और ये ट्रांजिस्टर सारे शॉर्टेज हैं, कुछ ओपन हैं। इन सबों को आप चेक करके निकाल लें, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से चेक कर लेने हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप देखते रहिए। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं किस प्रकार से मैं आपको, इसी प्रकार से आप सारे ट्रांजिस्टर को चेक कर लें, बेस एमिटर पे और कलेक्टर को, जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक करके बारी बारी से आप सभी को चेक करें, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से ये शॉर्टिंग है, लीकेज शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, आप इसी प्रकार से सारे ट्रांजिस्टर को एक एक करके चेक कर लें, ताकि ये आपको जानकारी मिल सके जो किस किस प्रकार से ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग और लीकेज का प्रॉब्लम आता है जब ड्राइवर कार्ड ख़राब होते हैं। तो मैं आपको बार बार इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इसमें 120 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, जैसे कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, ये बेस है और वे कलेक्टर है, तो हम बेस कलेक्टर से चेक कर रहे हैं, तो अभी ये भी हमारा, देख सकते हैं किस प्रकार से आप इसी तरह से चेक कर लेना है, हर पोल से दाहिने बाएँ और लेफ्ट राइट सभी को माइनस और प्लस का प्रोड चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये फुल्ली शॉर्ट है, कुछ ओपन है, कुछ लीकेज है। चलिए दूसरे साइड में देखते हैं कि क्या इसमें कुछ ट्रांजिस्टर कोई ठीक है या नहीं। जैसे कि इस बोर्ड पे जितने भी 5-5 वाट के रेजिस्टेंस से सारे जली हुए थे, सो मैंने इसे निकल के बाहर कर लिए। और दोस्तों, फिर इसके बाद हम ट्रांजिस्टर को चेक कर रहे हैं, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, और देख सकते हैं ये किस प्रकार से फुल्ली शॉर्टेज है। इसका एमीटर और कलेक्टर, और इसका भी एमीटर और कलेक्टर शॉर्टेज है, सॉरी बेस और कलेक्टर शॉर्टेज है इसमें भी। वेल फ्रेंड्स, आप इसी तरह से आप प्रत्येक एक ट्रांजिस्टर को चेक कर लें। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा हमारा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ काम ज़्यादा है। ओके, आप इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी आपको तक मिल सके। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से मैं प्रत्येक एक एक ट्रांजिस्टर को चेक करा के दिखा रहा हूँ, जैसा कि ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकते आप प्रत्येक एक को चेक करें, ये हमारा शॉर्टेज है बेस और एम कलेक्टर से। देख सकते हैं किस प्रकार से 0-0 शो कर रहे हैं, ये फुल्ली शॉर्टेज है बेस और कलेक्टर से। ओके दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान से देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस ये हमारा ट्रांजिस्टर ओके है, और ये हम ये बाकी ये जो ये लेफ्ट साइड का टोटल ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग है और लीकेज है, और राइट साइड में एक ओके मिला है। ओके दोस्तों, अब हम 4.7 ओम की रेजिस्टेंस जितनी भी है उन सबों को चेक कर लेंगे, और जो भी हमारे ख़राब ट्रांजिस्टर हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, इसमें एक डायोड लगता है दोनों तरफ, क्योंकि ये तो हमारा सिंगल सर्किट सप्लाई सर्किट वाला सेट था, जिसमें 48 वोल्ट प्लस ओनली प्लस से वर्क करते थे, बट ये ट्रांसफार्मर इसका मेल्ट है।
ओके दोस्तों, तो हमें विदाउट ट्रांसफार्मर से वर्क कराना है, इसके लिए हमें इसमें कुछ मॉडिफाइड करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो किस प्रकार से अब इसमें हमें चेंजिंग करना है और क्या क्या करना है। सो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। और ओके दोस्तों, इस सर्किट में मॉडिफाइड करने के लिए हमें सबसे पहले डबलर सर्किट बनाना पड़ता है। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है, फ्यूजिबल है, जो बेस ड्राइव के माध्यम से ट्रांजिस्टर पे लगाए जाते हैं। जैसा कि इसमें पहले वाला सारा ख़राब है, ओपन है। ओके फ्रेंड्स, स्वाभाविक है क्योंकि जब ट्रांजिस्टर हमारे शॉर्टेज हो जाएंगे तो 4.7 नहीं बचते हैं या वैल्यू शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए हम इसे न्यू ही लगाएं, चेंज कर लें तो बेहतर रहेगा। ओके दोस्तों, मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड के चैनल पे 4.7 ओम का बेस वाले हिस्से पे इसे लगा लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो ये डबलर सर्किट बनाया, सो फ्रेंड्स मैं आपको इसका वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, ये कैसे डबलर बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप सिंपल सी बात है, हमारा टोटल ट्रांसफार्मर में 4 लूप हैं, जिसमें 2048 का 2 टेपिंग होता है। तो आप उसको क्या करें कि सेंटर टाइप वाले को माइनस बना लें बॉडी ग्राउंड, और दोनों साइड के हिस्से को आप एक साइड का प्लस और दूसरे साइड का माइनस बना लें। चूँकि इसमें बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें डबल डायोड लगे हुए हैं ब्रिज रेक्टिफायर, तो एक सिंबल से आप माइनस निकाल लें और दूसरे सिंबल से आप प्लस निकाल रहे हो। ओके दोस्तों, जैसा कि ये मैंने प्लस निकाला और इस सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है, पीसीबी को कट करना पड़ता है, क्योंकि कंडेंसर वाले जो पीसीबी है उसमें सिंगल सप्लाई 48 वोल्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, उसमें ब्रेक करके कटिंग करके आपको डबल डर सर्किट बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने इसमें कटिंग करके पहले से बना लिए हुए हैं। सो मैं आपको इसका वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ, बट आप समझ सकते हैं, मैं फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ जो किस प्रकार से ये प्लस है और दूसरे वाले माइनस है, और इस ये टोटल 48048 है, देख सकते हैं 4 लूपिंग का है। तो आप 2 को सेंटर टाइप बनाएं और दाहिने बाएं को आप 48 वोल्ट माइनस और प्लस में बना कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप चलते हैं हम नेक्स्ट काम के ऊपर, कि ये हमारा 4.7 ओम की रेजिस्टेंस को पहले हम लगा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें आगे करना क्या पड़ेगा। ओके दोस्तों, इससे पहले हमें ये ट्रांजिस्टर सारे निकालने पड़ेंगे, तो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको इस सबों का बेस बाइसिंग का ड्राइव बोल्ट जो होता है उसका सारा ओपन कर दिए हैं, कलेक्टर सिर्फ लगी हुई है। चलिए दोस्तों, ये जो ये सर्किट हम डालेंगे जो PVT 701 का सर्किट है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग करने हैं। ये हमारा माइनस है, यहाँ से यहाँ तक का एक माइनस की वायर लगानी पड़ेगी। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लगा लेने हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अब मैं आपको मीटर से चेक करा दे रहा हूँ जो किस प्रकार से। सबसे पहले तो डबलर सर्किट हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमारा सेंटर टाइप ग्राउंड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सर्किट का जो भी वायर है सभी को फ्रेश कर लें कटिंग करके, क्योंकि मैंने उसका पुराना वाला ड्राइवर कार्ड को निकाल के कटिंग करके वायरिंग फ्रेश कर लिए हैं। ओके दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ड्राइवर कार्ड में वायरिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो माइनस का प्राइम पॉइंट है, और इसे यहाँ से आप दूसरे सिरे पे फिर एक माइनस का वायर लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से। आप इस प्रकार से आप सोल्डिंग करके, जैसा कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये हमारा माइनस है जो कि बॉडी ग्राउंड होते हैं। क्योंकि डबलर सर्किट में एक लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अलग अलग 1943 में इसका माइनस वोल्ट चलता है,
और 5200 में आपका प्लस वोल्ट चलता है, बट 701 स्टेंजर में 3773 लगी हुई हैं जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें PNP ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता है। ओके दोस्तों, जैसा कि ये मैंने माइनस का वायर को लगा दिए हैं जो कि स्पीक आउट के माध्यम से आपका एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और 104 PF के माध्यम से लगी हुए थे। ये हमारा स्पीक आउट का जिसपे E5 5 वाट की रेजिस्टेंस और लगी हुई होती है, वो स्पीक आउट का पोजीशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। बहुत ही आसान होता है इसका वायरिंग, बट कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत महसूस होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ओके दोस्तों, जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन और ब्लू वायर को आपको इस ड्राइवर कार्ड के स्पीक आउट पर लगा देने हैं, जैसा कि मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मीटर से मैं इसको कंटिन्यूसली चेक करा रहा हूँ ये किस प्रकार से ब्लू वाली वायर है। ओके दोस्तों, और ये हमारा किस प्रकार से ग्रीन वाली वायर है स्पीक आउट पे। ये ड्राइवर कार्ड से इसलिए देना अनिवार्य होता है क्योंकि हमारा लेवल इंडिकेटर को शो कराने के लिए इसको फीडबैक देना पड़ता है। वैसे नहीं भी देने पर आपका सेट ओके होता है, बट आप इसे पहले हम इसे देख के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देखते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें, इससे के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं इस प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी आपको देख सकूं। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि स्पीक आउट का दोनों वायर को जो मॉडल ट्रांजिस्टर मॉडल बॉक्स हैं उनमें से लेने पड़ते हैं, तो मैंने लगा दिए, आप ध्यानपूर्वक देखें। वो दोनों लेफ्ट और राइट दो तरह के पार्ट होते हैं इसमें एक सेट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, और चलिए मैं आपको स्पीकर का कनेक्शन करके मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से स्पीक आउट में कनेक्शन किया जाते हैं। सो ये हमारा स्पीकर आउट का कनेक्ट है और ये ग्राउंड है जो कि मैं बताया कि बॉडी ग्राउंड करना पड़ता है, इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लेना। इससे पहले मैं पहले वायरिंग को बोर्ड की वायरिंग को कर लूं। ओके दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। ये हमारा बेस वाइसिंग है जो ड्राइव वोल्ट निकलती हैं 3773 के लिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लिए, तो बट इसमें दोनों साइड के अलग अलग ड्राइव होते हैं। सो मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको इसके कनेक्शन करने हैं। हर बार की तरह आप किसी भी वायर को कनेक्ट करने से पहले उसका वायरिंग को चेक करना पड़ता है कि क्या हम जो वायर कनेक्ट करने वाले हैं वो सही है या नहीं। जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पीला वाला वायर बेस ड्राइव वोल्ट की है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लगाने हैं। सो ये प्लस साइड वाले पे लगाने हैं, ये हमारा प्लस वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये प्लस वोल्ट है जो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस यहाँ पे मोटी वाली लगी हुई है वो प्लस वोल्ट है। ये हमारा ड्राइव वोल्ट है, ये प्लस है और इसके नीचे ड्राइव वोल्ट है जो कि आप उससे आप ड्राइव वोल्ट पर दे सकते हैं। मैं फिर से भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है 2 वाट में जो कि अक्सर ये ओपन होने पर आपका ऑडियो ड्रॉप कर जाते हैं और फटी फटी सी आवाज़ आने लगेंगी और एम्पियर लेने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसमें हम पहले आपको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। और ये हमारा जो डबलर सर्किट मैंने बनाया था प्लस और माइनस का, उसका एक मेन है और ड्राइवर कार्ड में प्लस और माइनस का दिया जाता है, जैसा कि कलेक्टर पे ये हमारा प्लस है और ड्राइवर कार्ड के लिए भी ये प्लस है। सो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए इसी प्रकार से, आप ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि मैं जितने आसानी से मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाता हूँ उतना आसानी होता नहीं है क्योंकि इसमें परेशानी होती है काफ़ी। सो फ्रेंड्स, आप देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे बेल आइकन को भी दबा के ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो मैं दिखा सकूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने किस प्रकार से कलेक्टेड ड्राइवर कार्ड का कलेक्टर तो जो कि 48 वोल्ट प्लस है वो मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, वायर को लगा दिया हूँ और ये मोटे वाले वायर कंडेंसर से आई हुई हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पीला वाला वायर ड्राइव वोल्ट है
जो कि ड्राई वोल्ट आपका इसमें एक्सटेंजर कार्ड में 0.15 से लेकर के 47-50 वोल्ट तक की मिली वोल्ट में होती है। और फ्रेंड्स हाँ, इसमें एक एमीटर से स्पीकर के लिए एक बाईपास सिग्नल दिया जाता है जो कि स्पीक आउट के माध्यम से होता है। वो आप E5 5 वाट के रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले इसका कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं जब रेजिस्टेंस लगाऊंगा उस समय आपको दिखा दूंगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ये स्पीक आउट का से आपका एक एमीटर पे जो रेजिस्टेंस लगती है E5 5 वाट का, तो इसके इस दूसरे हिस्से पे लगाने हैं आपका ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले हिस्से पे ये आपको तार लगाने हैं। वो इसलिए ध्यान देना पड़ता है ताकि ये आपको मॉड्यूल बॉक्स का जो फीडबैक है इसे बाईपास मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप मैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, बट ट्रांजिस्टर तो शॉर्टिंग है, उसको लगाएंगे नहीं, बट आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर पे रेजिस्टेंस पे लगाने हैं इसको। ओके दोस्तों, अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये अक्सर ध्यान रखिएगा आप कि ये मीटर से रेजिस्टेंस के माध्यम से ही इसमें ड्राइवर कार्ड पे दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से अगर इसमें ट्रांजिस्टर होता तो उस पर आप मीटर पे इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, बट नहीं भी करने से आपका सेट ओके हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 ओम का जो है वो रेजिस्टेंस की वेरिएशन होनी चाहिए थी। इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये बेस ड्राइव का है, ये मीटर स्पीक से है, ये स्पीक आउट है हमारा, प्लस माइनस सॉरी लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मॉड्यूलर से, और ये हमारा माइनस साइड का है जो कि देख सकते हैं ये ऑरेंज वाले वायर है हमारे ड्राइव वोल्ट हैं, सॉरी ऑरेंज वाले वायर हमारे यहाँ ड्राइव में है, तो बट हम इसको चेंज करेंगे, ड्राइव में नहीं देंगे, क्योंकि ये इसे हम एक ही कलर का सिंबल बनाएंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं ये बोर्ड काफ़ी थोड़ा इसमें लगी हुई है, उसको साफ करके हम इसे ठीक कर लेते हैं ताकि सोल्डिंग बेहतर ढंग से हो पाए। ठीक है दोस्तों, और ये जो ड्राइव में लगी हुई है बेस ड्राइव के लिए, सो मैं कलर सिंबल के हिसाब से वायर को चेंज कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम वायर को चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं कि हाँ ये ड्राइव पे ही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये तो ड्राइव पे है, चलिए मैं इसे पहले सोल्डिंग करके देखते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कनेक्शन हम करें उन सबों को फुल्ली कंफर्म करके करें कि, और फिर उसे चेक करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसका बेस ड्राइव वाले जिसका जहाँ से आउट होते हैं उस जगह पे हमने ट्रांजिस्टर के लगा दिए हैं। सो इस कार्ड में आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। सो फ्रेंड्स, मैंने तो ये ड्राइव वाला इसमें तो कनेक्ट कर दिए हैं, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन कंडेंसर की वायर मोटे वाले जो है वो ऑरेंज में है, इसलिए सिंबल के हिसाब से मैं उसे इसे वापस हटा कर मेन माइनस कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे कि हम मेन माइनस में कनेक्ट कर लेंगे इस वायर को। सो फ्रेंड्स, आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि छोटी सी गलती से कुछ भी नुकसान हो सकता है। सो आप कलर सिंबल के हिसाब से अगर कोई भी वायरिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसान दिखेगा कोई भी वर्क करना, काम करना। सो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्राउन वाले वायर को बेस ड्राइव के लिए यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि हम तो इसमें सर्किट काफ़ी चेंजिंग करिए हैं और कर रहे हैं। सो आपको मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से करने हैं, जैसा कि इसे हम सोल्डिंग कर लिए हैं ट्रांजिस्टर बेस ड्राइव वाले पे, और फिर हम इसे चेक करेंगे ताकि ये ओपन तो नहीं है तार। ओके दोस्तों, ये हमारा ठीक है, फिर से पुनः हम जिस जगह मैंने ऑरेंज वाले वायर को लगाए थे उस जगह इसे हम ब्राउन वाले को लगा लेंगे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस दे करके भी बेस ड्राइव के लिए दिए हुए हैं सिग्नल, वहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट करके ही दें जो कि ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट से निकलते हैं बेस ड्राइव के लिए। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि ऑरेंज वाले को हम मेन माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा माइनस है, क्योंकि डबलर सर्किट में प्लस और माइनस दोनों चलते हैं और बीच वाले ग्राउंड होते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप बने रहें हमारे चैनल पे।
ठीक है, जैसा कि मैंने दिखाया ये हमारा माइनस वोल्ट का 0.48 जो माइनस है उसका मेन सप्लाई है, और ड्राइवर कार्ड में है, चूँकि एक्सटेंजर 701 के ड्राइवर कार्ड में 0.48 और 0.48 का माइनस प्लस का डबलर सर्किट चलता है। सो फ्रेंड्स, ये जो एमिटर सॉरी बॉडी ग्राउंड जो है, ग्राउंड को ग्राउंड से ही कनेक्ट कर ले। ओके दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, हम वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप फिर से ध्यानपूर्वक देख लें, ये हमारा बेस ड्राइव है माइनस साइड वाले के लिए, और ये हमारा बेस ड्राइव माइनस साइड के लिए है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लें ध्यानपूर्वक, बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा माइनस साइड वाले वोल्टेज प्लस वोल्ट जो है, VCC माइनस प्लस वोल्ट जो है 0.48 उनके कन है, और ये VCC प्लस है हमारे जो कि 48 वोल्ट है, 0.48 प्लस है, क्योंकि मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ क्योंकि स्टेंजर 701 के ड्राइवर कार्ड में डबलर सर्किट चलता है। ओके दोस्तों, ये जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ, जो रेड वाले दोनों, एक कंडेंसर का सप्लाई और एक वोल्ट का सप्लाई है। ओके दोस्तों, ये हमारा एमिटर से है स्पीक आउट के, और ये बेस ड्राइव का है, बेस का है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर सब, हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले हम इसे निकाल लेंगे और दो ही ट्रांजिस्टर लगा करके ऑपरेट करके दिखाएंगे। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा आपका ड्राइवर कार्ड का मेन ग्राउंड है जो कि बॉडी से होता है, और ये हमारा VCC माइनस है 0.48, और ये उसके ड्राइव बोल्ट है माइनस साइड के। देख सकते हैं किस प्रकार से एमिटर से है, इसमें आपको 19, 20, 73 और 940 का NPN ट्रांजिस्टर लगी हुई होती है, और भी कई तरह के, मतलब कि NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया जा सकता है। सो ड्राइव के लिए कोई भी ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं आप। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा एमिटर से रेजिस्टेंस का माध्यम से स्पीकर एमिटर के लिए बोर्ड को सिग्नल देने के लिए दिया जाता है। वो नहीं भी दीजिएगा तो भी आपका सेट ओके हो जाएंगे, बट देना जरूरी है, किसी सेट में होता है। ओके दोस्तों, चलिए मैं तो इस कार्ड का वायरिंग तो कर चुका हूँ, अब हम इसमें कुछ आगे काम करना है जो कि ताकि इसे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा ऑक्स इनपुट का वायर है। सो इस जगह किस जगह लगाना है सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जिस तरह से ये बॉडी ग्राउंड का ग्राउंड कर लेने हैं, और वाइट वाले को आपके जस्ट सामने वाले हिस्से पे आपको सोल्डिंग कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक 24 वोल्ट का सप्लाई है जो कि रेगुलेटर लगी हुई है, 5296 के ट्रांजिस्टर के माध्यम से 24 वोल्ट रेगुलेटर बना हुआ रहता है जेनर के माध्यम से, और एक 100 ओम के 5 वाट के रेजिस्टेंस के माध्यम से वो इसकी रेगुलेटरी होती है। सो फ्रेंड्स, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से कनेक्शन करने हैं। ये देख सकते हैं, ये ऑडियो का है सिग्नल इनपुट, और ये ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आप गौरपूर्वक देखें, ध्यान से देखें। सो फ्रेंड्स, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि काफ़ी पुराना वायर है। सो इसमें पेस्ट के माध्यम से आप इसे लगा लें, पेस्ट लगाने से हमारा सोल्डिंग फ्रेश होता है। ओके दोस्तों, इसके अंदर हम स्लिप डाल लेते हैं ताकि ये किसी से टचेज ना हो। इस प्रकार से आप स्लिप को डाल लें, और हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसे आप फुल वॉच कीजिए, कृपया आपसे निवेदन है, विनती है, अनुरोध है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आप हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। तो आप हमें फिर कमेंट कीजिएगा कि क्या सर आपने ये चीज़ दिखाया नहीं और कैसे होता है। सो ओके फ्रेंड्स, आप इस तरह से देखते रहें आप। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम ये हमारा ऑक्स इनपुट का वायर है, और ये BT बोर्ड का प्लस है, ये हमारा ऑक्स इनपुट का वायर है, और लेवल इंडिकेटर का
चूँकि देखा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से है। ये हमारा लेवल इंडिकेटर में लगी हुई है, एक सिग्नल होता है और एक 24 वोल्ट सप्लाई होता है, एक ग्राउंड होता है। और ये हमारा देख सकते हैं ओवरलोड है, जो कि पहले वाले में 48 वोल्ट के लिए फ्यूज में दिए हुए थे, बट ये तो शो करेंगे नहीं क्योंकि ड्राई बोल्ट जलने के बाद 10% चांस होता है LED वगैरह बचने का, लेवल IC ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स चलिए पहले हम इसे बाद में देख लेंगे, इससे पहले हम इसमें बेल का ओरिजिनल वाले ट्रांजिस्टर को डालेंगे जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। ओके दोस्तों, जब भी आप यूज़ करें बेहतर ढंग का ट्रांजिस्टर यूज़ करें, मैं जब भी करता हूँ बेल का ही यूज़ करता हूँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं किस प्रकार से, इसमें से हम दो ट्रांजिस्टर लेंगे और फिर इसे डाल करके चेक करेंगे कि क्या हमारा ये सर्किट जो हमने ड्राइवर कार्ड लगाए हैं वो कंप्लीट हुआ या नहीं। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हमें पुराने वाले को निकालने पड़ेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम पहले ये सारे ट्रांजिस्टर जो ख़राब हैं उनके हम, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं लगाऊंगा ट्रांजिस्टर, सो फिर मैं आपको नहीं दिखाया क्योंकि इसलिए क्योंकि टाइम उसमें लगता है काफ़ी। सो फ्रेंड्स, मैं दो ट्रांजिस्टर को मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं और आपको मैं दिखा चुका हूँ। सो चलिए अब इसे ऑन करते हैं। जैसे ही मैंने ऑन किया तो हमारा सेट देख सकते हैं, लेवल इंडिकेटर और लाइट वगैरह तो कुछ, क्योंकि कनेक्शन तो हटाए हुए हैं हमने। ओके फ्रेंड्स चलिए, हमें अब इसे सेट तो हमारा एम्पेयर ले रहा है बट ऑडियो हमारे आ रहे हैं। ओके दोस्तों, लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला तो है नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर ले रहे हैं। ओके देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप ये किस प्रकार से हमारा ऑडियो तो ओके हो चुका है बट हमारा एम्पेयर नहीं लो रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देख सकते हैं ये स्पीक आउट का जो मैंने दो वायर को दोनों में पैरेलल किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स चलिए, हमें पहले इस चीज़ को हम हटा के देखेंगे कि पार्ट वन और पार्ट टू में क्या प्रॉब्लम है लेफ्ट राइट साइड में। जैसे ही मैंने स्पीक आउट का वायर को हटाते हैं उस तरह से आपका ऑडियो में वॉइस का डिफरेंस आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ड्राइवर कार्ड मैच नहीं कर पाते हैं या कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एस्टेंजर 701 में जो है ये आपका, जैसे कि एस्टेंजर 701 में हमारा ये स्पीक आउट में 150 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, उसके माध्यम से ये वर्क करता है दोनों पार्ट वन और पार्ट टू का मॉड्यूलर ट्रांजिस्टर बॉक्स। ओके दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे हटाया तो हटाने पर इसे एम्पेयर लॉस होनी चाहिए बट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंडेंसर डिस्चार्ज होने में समय लगता है। सो फ्रेंड्स, आप जैसे ही मैंने इसे हटाया तो ऑडियो में फिर चेंजिंग आ चुके हैं, और जैसे ही स्पीक आउट को पॉइंट को मैं टच करता हूँ तो किस प्रकार से ऑडियो नॉइज आ रहे हैं और क्लियरेंस आ रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप पार्ट वन और पार्ट टू का चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें हटाया तो देख सकते हैं, जैसे कि मैं बताया कि एम्पेयर लॉस होनी चाहिए तो हो चुका है, और किस प्रकार से सीरीज बल्ब हमारा नॉर्मली दिख रहे हैं जलते हुए, जो कि ये ठीक है। ओके दोस्तों, हमारा इसमें तो प्लस वाले साइड का ट्रांजिस्टर ऑलरेडी काम कर रहा है, और जैसे ही दूसरे वाले में नेगेटिव साइड वाले में लगाते हैं तो हमारा एम्पेयर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो मैं किस प्रकार से इसमें कुछ और चेंजिंग करके मैं देखूंगा और बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत लगने वाली हमारे दुकान का नाम है। दोस्तों जय हिंद, दोस्तों जय भारत।